हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पर स्वागत है। तो दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रोडिंग है जिसपे मेरा इस बार का जो नार्व का जो प्रॉब्लम है, चीक्स का नार्व और आपका जो कैल्शियम का, तो उसका जो प्रॉब्लम है उस चीक्स को मैं अलग करके रखे थे। और इसमें है 60 पीस चीक्स, 60, तो 60 पीसेस चीक्स को मैं अलग किया। और इस बार को जो चीक्स आया है वह है 3400 के आसपास। तो आपको मालूम होगा कि जैसे कि विंटर सीजन आने ही वाला है, तो इस टाइम पे चिक्स का जो बैठ के रह जाना, ऐसा जो प्रॉब्लम है नाभ का, तो वो रह जाता है। तो उसका लिए मैं क्या मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्त, जैसे कि देख पा रहे हैं, चिक्स अभी थोड़ा बहुत उठ के फीड और पानी पी रहा है। तो इस हिसाब से आपको जो ब्रूडिंग है, बड़ा वाला जो ब्रूडिंग है जिसमें मैक्सिमम चिक्स रहता है, उससे आपको अलग कर लेना है ये जो छोटा वाला चिक्स को। तो इसको अगर आप अलग नहीं करेंगे तो उसका जो फीडर लेवल है वो बैठ के वो फीडर में फीड इनटेक नहीं कर पाएगा और आपका चिक्स का मॉर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं ये चिक्स को टोटल छान के इधर में रखा हूँ और अभी उठ के पानी में जस्ट 2 दिन किया हूँ इसको, और ये अभी आप देख पा रहे हैं कि चल के फीड इनटेक कर रहा है और पानी भी पी रहा है। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है अगर आपके फार्म में जो नार्व प्रॉब्लम हो रहा है। और आप देख पा रहे मैं इसके लिए मेडिकेशन कर रहा हूँ, ये जो न्यूरोवियन फोर्ट है इसको मैं 100 के हिसाब से 2 टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ 6 घंटे के पानी में, 6 घंटे के पानी में। और रात के पानी में मैं भीरबेक कंपनी का जो ऑस्टोबेट है कैल्शियम, ये इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ हर 1 लीटर पानी में 1.5 ml से 2 ml के हिसाब से। और जैसे कि देख पा रहे अभी जो चिक्स, मतलब जैसे जब मैं इसको छाना था तब ऐसा 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 था, मतलब उठ के वो जा नहीं सकते। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हैं कि चीक थोड़ा सा ठीक हो गया, डिस्टर्ब करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके फार्म में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मैं मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट बोला, ये आपको करना चाहिए। वरना ये चिक्स अगर आपका ये जो बड़ा वाला ब्रूडिंग है नॉर्मल ब्रूडिंग पे अगर रहेगा तो वो फिर पानी भी नहीं पी पाएगा और फीड भी इंटेक नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपका फार्म में मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे पानी का बर्तन एक भी दिया नहीं है अभी, क्योंकि पानी का बर्तन अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है बाहर लेके जाके। और इधर में चिक्स को फिर साइड में, जैसे कि मैं बोला था कि पिछले गेम में के फीडर में आपकी जो अंदर में फीड नहीं देना चाहिए, आपको साइड में फीड देना चाहिए, क्योंकि अभी जो चिक्स फीड इनटेक करता है वो बहुत ही कम करता है। और अगर आप मिडिल में फीड भर देंगे तो उसके लिए फीड ज़्यादा इनटेक नहीं करेगा। और आप देख पा रहे ठीक तरह से फीड इनटेक कर रहा है साइड में फीड देने से। और इधर में भी अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, इधर में टोटल कम्प्लीट हो गया। आप देख पा रहे टोटल जो चिक्स है वो फीड इनटेक कर रहा है, और ये जो मेरा बंदा है ये फीड दे रहा है। और बाहर में पानी का बर्तन बाहर लेके जाके उसको धोना चल रहा है, अभी पानी देने ही वाला हूँ। और उस पानी में मैं रात के टाइम में अभी ऑस्टोबेट देने वाला हूँ। और दोस्त, ऐसा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि नाभ का जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देना है 3 दिन से, या फिर ब्रूडिंग तोड़ने के बाद 4-5 दिन से ही आपको ये जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्त, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।